ताज हमें एलपीबी रे लास्ट टॉपिक को जाउछु लास्ट इंपोर्टेंट दिटा क्वेश्चन करिया तापर एलपीबी को कंप्लीटली एंड कर दो हला बट टोटल प्लेलिस्ट एलपीबी अपलोड हे छि जहां को डाउट छ त एलपीबी रे जाके देखि परबो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन हमरा कवर कराइ छला तो देखो फ्रेंड प्रॉब्लम नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 13 देखो प्रॉब्लम नंबर 12 जे देखियो प्रॉब्लम नंबर 13 पूरा सेम अछि खाली कोन अछि डिफरेंट हमरा ऑप्टिमाइज इक्वेशन ता डिफरेंट अछि नला ऑलमोस्ट पूरा सेम अछि हला तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करबा solution first point step 1 tabulation to the question let minus 0.5 x1 plus x2 is equal to 2 ye gala equation 1 to put x1 equal to 0 to x2 kete gala 2 put x2 equal to 0 to x1 kete equal to minus 4 hala तो दोस्तों पूरा टेबल सेम अछि हला तो प्रॉब्लम नंबर 12 को भी देखि के एको कर परियो हला x1 x2 तो 0 2 0 -4 हेगला तो भाई इक्वेशन 2 को सब लेट x1 + x2 = 2 ये हेगला इक्वेशन 2 तो पुट x1 = 0 तो x2 हेगला 2 पुट x2 = 0 तो x1 हेगला 2 हला तो चलो स्टूडेंट तो x1 x2 0 2 0 2 सला लास्ट इक्वेशन लेट -x1 + 5x2 = 5 ये वाला इक्वेशन 3 पुट x1 = 0 तो x2 = 1 पुट x2 = 0 तो x1 लगे तो स्टूडेंट -5 x1 x2 तो 0 1 0 -5 है गला स्टेप 1 हमरा कंप्लीट वे स्टेप 2 को जीवा स्टेप को हम कंस्टेंट ग्राफ स्टेप 2 ग्राफ तो देखो स्टूडेंट नेगेटिव पॉजिटिव दीटा वैल्यू अछि x1 गला तो x2 x1 डैश डैश ये ओरिजिन है ना तो मैक्सिमम वैल्यू तो 5 अछि सही हिसाब हो जइबो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 चलो स्टार्ट करियो 0 2 तो कोटि स्टूडेंट फर्स्ट एसी 0.2 ये गला a तक -4 0 तो -4 इज टू -4, 0 ये गला b तो डेटा कनेक्ट करो सिग्नल ऑफ बेजल ये गला l1 चलो नेक्स्ट 0.2 तो 0.2 से ही c पॉइंट पे सेट स्टूडेंट c पॉइंट 0.2 तक 2 0 2, 0 ये गला d तो डेटा कनेक्ट करो ये गला l2 बढ़े दियो कंप्लीट l3 देखो स्टूडेंट 0 1 तो 0 1 को स्टूडेंट रहला ये गला हमरा 0 1 0, 1 d ये गला e -5 0 तो गन जो -5 तो -5, 0 ये गला f तो जॉइंट करो स्टूडेंट l3 चलो स्टूडेंट चलो काम खत्म हैला अभी आसी बा कंडीशन हैला स्टेप 1 कंप्लीट स्टेप 2 कंप्लीट अब ऐसे कंडीशन को मतलब स्टेप 3 कंस्टेंट कंडीशन तो हम तो ऑलरेडी कर सकते हो पुट x1 = x2 = 0 इन गिवन इन इक्वेशन तो पुट करले मन हो 0 + 0 तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 এটা কোন হল স্যাটিসফাই প্লাস দা হচ্ছে স্যাটিসফাই সেকেন্ড দিটা গ্রেটার দ্যান সাইন আছে 0 ইজ গ্রেটার দ্যান 5 0 ইজ লাইক 2 5 তো বোথ আর কনস্ট্যান্ট আনস্যাটিসফাই কোন হল স্টুডেন্ট আনস্যাটিসফাই তো সেকেন্ড দিটা হচ্ছে সেই হিসাব রাখবো l1 স্যাটিসফাই তো তলো হবো আর l2 l3 আনস্যাটিসফাই তো উপর হবো তো ये भी উপর হবো আমরা ये হচ্ছে আমাদের পিজি ডিভিশন
point. The P point I am already find for that value. Step 4 comma direct jiba abe. Step 4. Now all the visible points are which point? A or C? जहाँ लिख लियो भी चलेगा. 0.2. 0.2. I want to print P. P का मतलब क्या है? Just print. इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करियो और आंसर मिल जइबो हला. तो स्टेप 4 भी जइबा. स्टेप 4 रे कोन करिबा? तो एडी कोन छ अनबाउंडेड अछि तो मिनिमाइजेशन होबो. मिनि मिनिमाइज इज इक्वल टू केत स्टूडेंट 5x1 + 2x2 हला. तबे मीन z a और c पुट करिबा तो केते हो स्टूडेंट 5 * 0 प्लस 2 इनटू 2 तो हे गला 4 मीन जेड पी हला. केते हो स्टूडेंट 5 * 7 / 6 प्लस 2 * 5 / 6 तो सॉल्व करके तो स्टूडेंट 7 * 35 / 6 प्लस 10 / 6 तो 45 / 6 तो 45 / 6 का तो स्टूडेंट डिवाइड करके देख लियो 45 47.5 कितना है 7.5 तो हमको मिनिमम दरकार तो व्हिच वन इज मिनिमम हला. फॉर ए पॉइंट का तो मिलेगा आंसर हला. एड अनबाउंडेड अछि का आंसर मिनिमम ही होगा. तो लास्ट स्टेटमेंट कौन लिखो हेंस मीन जेड इक्वल टू कितना हला 4 व्हिच इज obtained at point who point restaurant A or C whatever they have listed for where x1 x2 x1 restaurant 0 product 2 which was restaurant here number 13 hello. Chalo video pause kar note down kar de. So chalo student last question dekho problem number 14. Step 1 tabulation. So compare friend, let minus x1 plus x2 is equal to minus 1. So put x1 equal to 0. So x2 get the friend minus 1. If we put x2 equal to 0, so x1 get the friend minus 1 is 40, that is your 1. तो x1 x2 0 minus 1 0 1 चलला. सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट लेट तो ये हला तो इक्वेशन 1 लेट x1 + x2 इज इक्वल टू 6 ये हला इक्वेशन 2 तो पुट x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल 6 पुट x2 इज इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल 6 हला. टेबल वन फ्रेंड तो x1 x2 0 6 0 6 हला. तो लास्ट के देखो फ्रेंड कंफ्यूज होने गोटे बिल दे छी तो हम देखो नीचे में लेफ्ट x2 = 5 तो x2 दी 5 तो x1 बाय डिफॉल्ट 0 तो गोटे वैल्यू खाली आसीबो x1
x1, x2. x1, 0, x2, 5. Which all is different? Salla. So, yakun is equation 3. Hala? Chalo. Step 2 graph. The maximum value kete is table le dekhiye maximum value hoche 6 aur negative value kete hoche hai na x1 x2 to 1 2 3 4 5 6 x2 dash to minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, minus 6. तो स्टूडेंट रूल को चीज़ सपोर्ट जाया ना हो, ये पढ़ के सेल ना हो. तो अगर ये जागा नहीं, तो तेरे मुंह नहीं होते नॉर्मली. माइनस 1, माइनस 2 करेगा ला. तो हमें ये तो पूरा है. सपोर्ट जाया चीज़ 6 है, तो ये पढ़ माइनस 6 जाया ना हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बुझ पाला स्टूडेंट रूल को चीज़ ऊपर छह है चीज़ तो थोड़ा भी छह ही ना होगा. तो चलो स्टार्ट करें. 0 माइनस 1 तो 0 माइनस 1 कूट के स्टूडेंट तो फर्स्ट पेज का स्टूडेंट 0 माइनस 1 तो माइनस 1 एक जगह था तो 0, minus 1 ये गला a तब फिर 1 0 तो 1 0 को स्टूडेंट कूटी तो बरा ये डाउन ची 1 0 है 1 0 ये क्या गला b कुछ बोलो स्टूडेंट तो दिलो कनेक्ट करो है ना l1 है ना सेकंड 0 6 तो 0 6 कूटी स्टूडेंट ये डा 0 6 ये गला c 6 0 6,0 इगला D D टाइप को कनेक्ट करो इगला स्टूडेंट L2 L3 0,5 तो 0,5 कोड यू स्टूडेंट X1 ने 0 X1 ने 0 तो मैंने X1 ने होगा नहीं तो X2 ने होगा X2 को स्टूडेंट X1 ने 0 तो X1 ने होगा नहीं X2 ने 5 तो X2 ने 5 कोड स्टूडेंट X2 ने 5 मींस एटा तो लेके तो स्टूडेंट 0,5 ये गला हमारे A B C D E है ना तो स्टूडेंट ए पॉइंट का कैंसिल ड्रा होगा एम सी सीधा पैरेलल जीव हला कौन जो स्टूडेंट थे पैरेलल जीव हला ये गला तुम्हारा L3 अबे कंडीशन को स्टूडेंट सो हेल को टेगला कंडीशन को जीव स्टेप 3 कौन सा स्टूडेंट कंडीशन अबे स्टूडेंट देखो पुट कर लिया पुट x1 equal to x2 equal to 0 in given in equation तो स्टूडेंट तुम्हें 0 0 पुट कर ले पढ़ो स्टूडेंट 0 0 पुट कर ले 0 is greater than equal to minus 1 तो ट्रू 0 is greater than equal to minus 1 तो सैटिस्फाई ट्रू है ना सैटिस्फाई तो अपने 0 is less than equal to 6 तो ये भी सैटिस्फाई तो फिर 0 is less than equal to 5 तो ये भी सैटिस्फाई मतलब स्टूडेंट ऑल आर सैटिस्फाई है ना तो जो जो ऑल आर सैटिस्फाई अच्छी तो एल1 कोड इज फॉर स्टूडेंट टुवर्ड्स ओरिजिन तो ओरिजिन कोड इज स्टूडेंट याद है एल2 ऑल आर सैटिस्फाई तो एल2 भी थोड़ा को ऐसी हो एल3 भी थोड़ा को ऐसी हो समझते कौन ऐसी सैटिस्फाई ओरिजिन तो ओरिजिन एड को तो कुछ फ्रेंड कॉमन एरिया कोटा हला ये तळो कसले ये भी तळो कसची ये भी ऊपर जते ए एरिया टा हमरा असची कोण फ्रेंड कॉमन एरिया विच व्हाट इज फ्रेंड ये भी तळो कसची ये भी तळो कसची ये भी तळो कसची ते दे हमर दीटा फिजिकल पॉइंट असची अननोन पॉइंट गोटा हला पी आ एटा गोटा हला क्यू विच व्हाट इज फ्रेंड तमरे ए एरिया टा असची तो के कनेक्ट करची ई कनेक्ट करची तमरे एठी ओरिजिन भी कनेक्ट करची बी कनेक्ट करची हला तो फिर लिखि लाव वे दीटा अननोन पॉइंट फर्स्ट फाइंड कर दो हला नाउ फर्स्ट लिख दे स्टूडेंट नाउ ऑल द विजिबल पॉइंट्स आर के स्टूडेंट पी पॉइंट गोटे आसची क्यू पॉइंट गोटे आसची ओरिजिन गोटा आसची तोर बी पॉइंट गोटा आसची बी पॉइंट केते 10 1,0 आसची सेपरेट गोटे ई पॉइंट आसची ई पॉइंट आसची केते फ्रेंड ओरिजिन 0 0 ई पॉइंट 0,5 तो देखो फ्रेंड हमको पी आउ क्यू फाइंड करना छ बाकी सब नोन अछि ना तो फॉर पॉइंट पी
P solve. So which one? P point को दिया गया intersection L1 और L2 है ना? Solve equation L1. L1 means equation 1 and equation 2 है ना? तो चलो स्टूडेंट P point L1 जाई ची L2 आज ची है ना? तो ये दिया equation को solve करेगा तो minus x1 plus x2 is equal to minus 1 x1 plus x2 is equal to 6 x1 cancel answer रहेगा तो ये क्या दिया 2x2 is equal to 5, x2 is equal to 5 by 2. x2 में निकला, तो x1 कितने हो स्टूडेंट? ये डिपोट कर दियो. x1 plus x2 is equal to 6. तो x1 is equal to 6 minus x2. तो x1 is equal to 6 minus x2 कितने स्टूडेंट? 5 by 2. तो सेम हो स्टूडेंट. 12 minus 5 by 2. तो 7 by 2. तो x1 कितने मिला स्टूडेंट? 7 by 2. तो कितने स्टूडेंट आप पॉइंट? 7 by 2, 5 by 2, P point 7 by 2, 5 by 2. P point solve here, let's find. The Q point pay the form. Q point is the different Odia line intersection. Q point Q point L3 jh, L2 jh. L2 of L3. So for point Q. Solve equation 2 and 3. 2 and 3 solve. So x1 plus x2 is equal to 6. Now x2 equal to 5. So x2 5 directly mil gaya humko. First it put kar diya. So x1 kitna hua student? 6 minus x2. So 6 minus 5, so that is your 1. So x1 kitna mil gaya 1. Which one student? X2 level directly mil jibo. Jitna hum equal to equation kar likhe hua. X2 equal to 5. X2 5. तो सपोर्ट पड़ेगा तो हमारे Q पॉइंट का कितना मिलेगा स्टूडेंट 1.5 व्हिच वाला स्टूडेंट तो सब पॉइंट मिल गया तो मैं चलो पुट कर देगा ना देखो स्टूडेंट इडा कौन अच्छी बाउंडेड रीजन अच्छी तो इडी कौन हो मैक्सिमाइजेशन कैलकुलेटर हो ना तो तीन सब खाली मन में होते हैं स्टूडेंट है ना को जगह मैक्सिमाइजेशन बाउंडेड आ चुकी को जगह अनबाउंडेड आ चुकी हेंस maximize z equal to minus 10x1 plus 2x2 चलो पुट कर गया max z p first minus 10 into 7 by 2 plus 2 into 5 by 2 तो क्या दोस्तों minus 70 by 2 plus 10 by 2 तो क्या दोस्तों minus 60 by 2 तो आंसर कहते minus 30 चलो max z cube minus 10 into 1 plus 2 into 5 minus 10 plus 10 0 max z origin अगर O मना origin तो minus 10 into 0 plus 2 into 0 अगर तो अगर 0 है वो max z b minus 10 into 1 plus 2 into 0 तो minus 10 max z e minus 10 into 0 plus 2 into 5 तो आंसर करके 10 तो this is the maximum value वो तो स्टूडेंट तो कौन सा maximum मिला e point पे है ना तो finally हमें कौन लिखा hence max z equal to कहते 10 which is pinned at point E where x1 equal to 0, x2 equal to 5. Which one student? Here the final answer. So then student, ethi vidhara apna 13B pura complete hai gala. Aur 13A ro part pa bahut jana request korchanti. To bahut shighra mu 13A ro theoretical part kemti LPP formation. 3A ta mor kuch formation of LPP. Seta bahut shighra upload hobo gala. To ta pa worry hoba darkar nahi gala. So thank you for watching student.